राजस्थान की बांसवाड़ा से नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रोत ऊंट पर बैठकर संसद भवन के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस घटना के बाद राजकुमार रोत और दिल्ली पुलिस के बीच तीखी बहस नहस देखने को मिली। आपको बता दें कि राजकुमार रोत ने कहा कि इस एक्शन के खिलाफ वे शिकायत दर्ज कराएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान भी रोत ने ऊंट की सवारी की थी। राजस्थान के बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी के एकमात्र सांसद राजकुमार रोत संसद के द्वार पर ऊंट लेकर पहुंचने की तैयारी में थे। बता दें वे ऊंट पर रवाना होकर संसद पहुंचे और उन्होंने जिद ठान ली कि उन्हें ऊंट पर बैठकर ही संसद जाना है और शपथ ग्रहण करनी है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान रोत की पुलिस के साथ बहस होती दिखाई दी। बता दें राजकुमार रोत बांसवाड़ा से सांसद चुने गए हैं और राजस्थान के बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी के एकमात्र सांसद राजकुमार रोत हैं और वे शपथ लेने के लिए संसद के लिए रवाना हुए थे और उनकी जिद के कारण वे ऊंट पर निकले थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया, जिस पर राजकुमार रोत ने उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने की अपनी बात भी रखी है। वहीं आपको बता दें कि राजकुमार रोत बांसवाड़ा से सांसद चुने हैं। वहीं पुलिस ने उन्हें कहा कि संसद भवन में कोई भी जानवर ले जाने की अनुमति नहीं है। आदिवासी नेता राजकुमार रोत ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा में ऊंट पर बैठकर संसद भवन परिसर में जाना चाहते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी पर बैठकर संसद जा सकते हैं तो उन्हें ऊंट पर बैठकर संसद भवन जाने से क्यों रोका गया। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वे शिकायत दर्ज कराएंगे और मिली जानकारी के अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान भी रोत ने ऊंट पर बैठकर चुनाव प्रसार किया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भी जारी किया था।